नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज्यादा इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में शहर के काजी का बड़ा बयान सामने आया है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चला तो मुस्लिम समुदाय के लोग सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग कानून तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर जुर्म ज्यादती हुई और घरों को तोड़ा गया तो फिर हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। शहर काजी ने TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की है कि बच्चों से नादानी हुई है और दोनों तरफ के बच्चों को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। बता दें, कानपुर में 3 जून को परेड बाजार बंद कराने को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे और इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI ने बयान जारी किया है। PFI ने कहा कि इस हिंसा के आरोपियों से उसका कोई संबंध नहीं है। बता दें कि इस मामले में कानपुर पुलिस PFI के एंगल से भी जांच कर रही है। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। PFI के महासचिव अनीस अहमद ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से देश में कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना होती है तो PFI का नाम हिंसा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि राजस्थान के करौली में और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा में भी PFI का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका। विवादित हरिद्वार धर्म संसद आयोजित करने वाले यति नरसिंहानंद फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो BJP नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में 17 जून जुमे वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर है, जिसे एक न्यूज चैनल ने जारी किया है। दिल्ली पुलिस से इस भड़काने वाले बयान की शिकायत की गई है। भारत सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वालों को शरारती तत्व बताया है। BJP ने अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और दूसरे नेता नवी जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। इसके बावजूद इस विवाद को तरह तरह से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में नरसिंहानंद BJP नेता नूपुर शर्मा के उन टिप्पणियों का बचाव करता हुआ कह रहा है कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं खुद 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर सारी बातों को स्पष्ट करूंगा। उस वीडियो में यति नरसिंहानंद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम इस्लामिक हदीसों और किताबों में पैगंबर के खिलाफ तमाम बातें कही गई हैं। जब इनकी ही किताबों में पैगंबर के बारे में इस तरह लिखा गया है तो उसमें नूपुर शर्मा का क्या दोष है। RSS के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। RSS के दफ्तरों को लेकर इससे पहले इतनी गंभीर धमकी कभी नहीं मिली। सोमवार की रात लखनऊ और उन्नाव में संघ के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी का WhatsApp पर मैसेज आया। इसके बाद लखनऊ के मड़ियाहू थाने में FIR दर्ज की गई है। इस मैसेज में लखनऊ और उन्नाव के RSS कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये मैसेज रात 8 बजे एक WhatsApp पर भेजे गए। लखनऊ पुलिस ने कहा कि साइबर सेल की मदद से मैसेज भेजने वाले नंबर का पता लगाया जा रहा है। संघ के सदस्य नीलकंठ तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से ये मैसेज हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा दी है। नूपुर शर्मा ने धमकियां मिलने को लेकर FIR दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको और उनके परिवार को सुरक्षा दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर कई मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से बढ़ावा देते हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार पाकिस्तान के एक पत्रकार द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ BJP नेताओं की टिप्पणी पर UN महासचिव की प्रतिक्रिया पूछी गई थी। सवाल के जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, मैंने खबरें देखी हैं, हालांकि मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से बढ़ावा देते हैं। ED ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें काफ़ी कुछ जब्त किया गया है। ED ने ट्वीट कर फोटो साझा करते हुए लिखा है कि कई ठोस दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, 2.85 करोड़ कैश, सोने के 133 सिक्के जिनका वजन 1.80 किलो है को जब्त किया गया है। इनके स्रोत की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। ED ने इनका फोटो भी जारी किया है। बता दें, ED ने 30 मई को ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। हैदराबाद में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग की फोटो शेयर करने पर BJP के विधायक M रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हैदराबाद में 28 मई को नाबालिग के साथ कार में बलात्कार किया गया था। ये कार तेलंगाना में सरकार चला रही TRS के एक विधायक की थी। नाबालिग के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया था, जिसमें से 3 किशोर हैं। विधायक M रघुनंदन राव के खिलाफ पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नाबालिग की कुछ फोटो और एक वीडियो क्लिप को शेयर कर उसकी पहचान को उजागर कर दिया। ये कानूनन अपराध है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिले। सिद्धू मूसेवाला की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित कई नेता सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिल चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर मनसा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। पार्टी उन्हें संगरूर के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने के बारे में भी सोच रही थी। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिद्धू मूसेवाला के परिजन मिले थे। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी.com के साथ।